सुख समृद्धि को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए बड़े सारे शक्तिशाली मंत्र हैं। अगर श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप आप निश्चित समय तक करते हैं, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, दृढ़ता के साथ करते हैं, तो आपको रिजल्ट हमेशा मिलता है। तो आज आपको ऐसे ही एक मंत्र के बारे में बताने जा रही हूं, जिसका जाप अगर आपने अपने जीवन में, अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया, तो धन और प्रॉस्पेरिटी की देवी आपको जीवन में सब कुछ दे देंगी। मंत्र है ओम वसुधरे स्वाहा। ओम वसुधरे स्वाहा एक ऐसा मंत्र है जो कि आपको धन सुख समृद्धि की बहुतायत की देवी के साथ आपका कनेक्शन बना देता है। और जब बहुतायत की देवी के साथ कनेक्शन, बहुतायत यानी एक वो देवी जिनके पास सब कुछ है, जो सब कुछ देने में समर्थ है, तो जब ऐसी देवी के साथ आप जुड़ जाते हैं तो समझ लीजिए जीवन में सब कुछ मिलता है। बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं इसी मंत्र की, ओम वसुधरे स्वाहा। क्या मंत्र है, कैसे जाप करें, क्या क्या फायदे होंगे, सारी चीजें आज आपको बताऊंगी। ओम वसुधरे स्वाहा, जब आप मंत्रों की दुनिया में आते हैं ना, मंत्रों से जुड़ जाते हैं, तो आप एक ऐसी यात्रा पे निकल जाते हैं जहां पर भौतिक सुख मिलते हैं, जहां पर आध्यात्मिक उन्नति आपकी होती है, और जहां पर आपको आत्मिक शांति मिलती है। जब आप मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं ना, आत्मिक शांति मिलती है। जो इच्छाएं है ना, वो तो बड़ा छोटा सा लगने लगता है कि हमने इस इच्छा के लिए शुरू किया था, लेकिन मिलने तो हमको बहुत कुछ लगा। मीन्स जब आप किसी भी एक मंत्र को पकड़ के उसका जाप करना शुरू कर देते हैं ना, बिना कंफ्यूज हुए, तो समझ लीजिए इच्छा तो पूरी होगी ही, लेकिन साथ में इतना आत्मिक सुख आपको मिलेगा, आत्मिक बल आपको मिलता है कि आप कल्पना नहीं उसकी कर सकते। कोई भी मंत्र चाहे आप कर लें, चाहे आप गायत्री मंत्र कर लें, चाहे आप ओम नमः शिवाय कर लें, चाहे आप हनुमान जी का कोई मंत्र कर लें, कोई भी मंत्र कर लें, हर मंत्र की शक्ति आपको आत्मिक बल देती है, आपको आत्म शांति देती है। तो ऐसा ही मंत्र है ओम वसुधरे स्वाहा। ओम वसुधरे स्वाहा मंत्र को पहले समझ लीजिए। ओम यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से जोड़ देता है, ब्रह्म नाद है ओम, तो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, तो ओम आपका शब्द है। वसुधरे यानी बहुतायत की देवी, माँ पृथ्वी जिन पे सब कुछ है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे फली फूली माँ धरती ना हो, तो उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए वसुधरे स्वाहा यानी कि अपनी इच्छा पूरे सम्मान के साथ उनके आगे अर्पित कर रहे हैं कि माँ ये मेरी इच्छा है, इस इच्छा को आप पूरा कर दो। तो ओम वसुधरे स्वाहा आप चैंट कर सकते हैं जब आप चाहते हो भौतिक सुख, जब आप सुख सुविधाएं लग्जरी जीवन में चाहते हैं, तो आप चैंट करेंगे इस मंत्र को। जब आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तब आप चैंट करेंगे इस मंत्र को। जब आप ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में पूरी तरह से अबंडेंस हो, केवल मनी ये मंत्र आपको नहीं देगा, ये ऐसा शक्तिशाली मंत्र है जिन चीजों का भी अभाव आपके जीवन में है, ये मंत्र उन सारे अभावों को दूर करेगा। मीन्स आपको लगता है मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरा अपना घर नहीं है, भौतिक जीवन की जितनी चीजें होती है ना, उन सारी चीजों को आप इस मंत्र के साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी मंत्र जाप में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें होती हैं वो दो, पहला पूरा श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब आपको रिजल्ट मिलता है। दूसरा नियमितता होनी चाहिए, यानी कि आज जाप कर लिया, दो दिन भूल गए, फिर तीन दिन कर लिया, फिर चौथे दिन भूल गए, तो जब आप ऐसा करेंगे ना, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि भगवान भी ईश्वर भी जो व्यक्ति उसके योग्य है ना उसको देता है, जो अयोग्य है ना उनको वो भी फल नहीं देते, ईश्वर भी फल नहीं देते हैं। यही कारण है बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे प्रोडक्ट से बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये ईश्वर का न्याय है, ईश्वर उनको नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको वो योग्य नहीं समझते, उनके अंदर वो आस्था नहीं है, उनके अंदर वो फेथ नहीं है उस चीज के प्रति, उस ईश्वर या उस शक्ति के प्रति, इसीलिए उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो सेम यही इस मंत्र में है, आपको पूरा विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है, और समर्पित हो जाना है माँ धरती के प्रति, वसुंधरा यानी कि हमारी माँ, हमारी धरती माँ। दूसरा ये मंत्र क्या करेगा, भौतिक सुख सुविधाएं आपको सारी ही देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये मंत्र माता धरती से आपको जोड़ देता है, आपकी ग्राउंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। ग्राउंडिंग हो जाती है तो क्या मतलब, ये
कि हम एकदम धरती से जुड़े इंसान हैं। धरती से जुड़ा जो इंसान होता है उसके अंदर अहंकार नहीं होता, ईगो नहीं होता उसके अंदर, उसके अंदर स्ट्रेस नहीं होता, वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता है, उसके अंदर सेल्फ लव होता है, वो प्यार इधर उधर नहीं खोजता, प्यार अपने आप में खोजता है, अपने आप से प्यार करता है। तो ग्राउंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। ग्राउंडिंग जब अच्छी होती है, आप सब जानते हैं हमारा रूट चक्रा, हमारा मूल आधार चक्रा धरती से ही जुड़ा हुआ है, माँ धरती से ही ऊर्जा लेता है। तो जब इस मंत्र के माध्यम से आप माँ धरती से ही जुड़ गए हैं तो आपका रूट चक्रा बैलेंस होने लगता है। तो रूट चक्रा जिसका बैलेंस होने लगता है ना, तो समझ लीजिए भौतिक सुख सुविधाएं तो उसको सब मिलने लगती हैं, क्योंकि सारा वही चक्र नियंत्रित करता है आपको जीवन में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें वहीं से बैलेंस होती है। तो जब आपने अपना रूट चक्रा इस मंत्र के द्वारा बैलेंस कर लिया तो समझ लीजिए बहुत सारी जो भी ख्वाहिशें हैं वो आपकी पूरी होना अपने आप शुरू हो जाती है। हो सकता है आप कोई एक ख्वाहिश लेके मंत्र का जाप शुरू करें लेकिन मिलने इतना लगता है, क्योंकि वो तो बहुतायत की देवी हैं जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड हेल्थ, मान सम्मान सब कुछ आपको दे सकती हैं। तो साथियों, जब भी जीवन में चाहिए हो प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस, तो जुड़ जाइए प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की देवी जिनके पास सब कुछ है, यानी कि हमारी धरती माँ। चैंट करना शुरू कर दीजिए ओम वसुधरे स्वाहा, इसका जाप आप जितना ज्यादा करेंगे ना आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। पर डे एक माला का कम से कम जाप करना शुरू कर दे, पूरे भक्ति भाव श्रद्धा से करें। अगर जमीन होती है तो जमीन पे आप अपने बैठकर जमीन को नमन करते हुए भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि धरती से ही तो जुड़ने का है, धरती को ही तो अपनी ख्वाहिश अर्पित करना है इस मंत्र के माध्यम से। तो माता धरती को नमन करते हुए इस मंत्र का जाप करें, देखिए कैसे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आती है। तो दोस्तों, मैं हूं शालिनी वर्मा, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। प्यार भरा नमस्ते।